एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की क्वीन राखी सावंत ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड आदिल दुरानी से गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। कपल की कुछ वीडियो और फोटोज पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। वायरल फोटोज में राखी और आदिल को मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में लेकर पोज देते देखा गया। दोनों ने वरमाला पहना हुआ था। अब राखी ने खुलासा किया है कि वो आदिल संग खुश नहीं है। उन्हें ये भी लगता है कि शादी के 7 महीने बाद उनका पति उन्हें धोखा दे रहा है। न्यूली वेड राखी ने टाइम्स टीवी से बात करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वो हमारी शादी को क्यों छिपा रहा है। मैंने आज सुबह उससे कहा कि अब दुनिया को एक साथ आकर बता देना चाहिए। ये सही समय है जब फैंस के सामने हम अपने मैरिज अनाउंस कर रहे हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं कर रहा है। राखी सावंत से जब पूछा गया कि आजकल शादियां और ब्रेकअप अधिक हो रहे हैं, इस पर वो कहती हैं कि तो मैं क्या करूं? अगर ऐसा होता है तो मुझे परवाह नहीं है और मैं इस बार आपको बहुत सारे सपोर्ट दे रही हूं। राखी ने आगे कहा कि वो और आदिल अब पति पत्नी हैं और अब भी साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके बीच काफी बातें चल रही हैं और वो अभी कुछ भी रिवील नहीं करना चाहती हैं। राखी ने खुलासा किया है कि सही समय आने पर वो सारे पत्ते खोलेंगी। राखी ने आगे कहा कि वो आदिल से शादी करना चाहती थी, हालांकि अब उन्होंने उनके फोन पर और व्यक्तिगत रूप से कुछ चीजें देखी हैं, जिससे उन्हें लगता है कि बहुत कुछ हो चुका है। राखी सावंत ने कहा, मुझे और आदिल को शादी किए हुए 7 महीने हो चुके हैं। आदिल की वजह से मैंने अब तक दुनिया से ये बातें छिपाई थी। हम दोनों ने सिंपल वेडिंग का सोचा था, इसलिए कोर्ट मैरिज को चुना। अभी आप सभी को बता रही हूँ क्योंकि मेरी माँ बीमार है और ये सही समय है। आपको बता दें कि राखी की ये दूसरी शादी है। पहली शादी उन्होंने बिजनेसमैन रितेश संग की थी। दोनों एक साथ बिग बॉस के घर में भी आए थे, लेकिन ये रिश्ता नहीं टिका और दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाकर अलग होने का फैसला किया था। आपका क्या कहना है राखी सावंत की शादी पर? हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।